collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a caring for him. Welcome back to AG Vlogs. I'm your host Ankit, और आज है Sunday. So Sunday is supposed to be a fun day, and वैसे तो मैं हर Sunday को काम कर रहा होता हूँ. ओहो, धूप को भी अभी आना था. क्या बेवकूफ़ी है. वैसे तो मैं हर Sunday को काम कर रहा होता हूँ, लेकिन आज मैंने decide करा थोड़ा सा Melbourne exploration day हो जाए. तो आज मैंने डिसाइड करा है कि मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ Mornington Peninsula, which is located 1.5 hours of drive from Melbourne. आउटसाइड मेलबर्न. और क्योंकि बहुत सिटी सिटी में बहुत घूम लिया, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा सिटी के बाहर कुछ एक्सप्लोर कर लिया जाए. Mornington Peninsula में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हाई पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आप जाके लुकआउट्स हैं, लुकआउट्स होते हैं जहाँ पे आप जाके लाइक पूरा ओशियन व्यू, सिटी व्यू या एक पूरी एक सीनिक व्यू दिखता है आपको वहाँ से. सो एक दो लुकआउट्स ट्राई करते हैं जाके. देयर इज अ कपल ऑफ वाइनरीज. मेरा बहुत टाइम से मन था कि किसी वाइनरीज में जाके वाइन टेस्टिंग वगैरह देख कर आ जाए. एंड दे हैव रियली अमेजिंग फूड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड लंच. और साथ के साथ वहाँ पे एक दो क्लिफ डाइविंग पॉइंट्स हैं. सो लेट्स सी. मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं क्लिफ डाइविंग करूँगा नहीं करूँगा, बट मेरा मन है कि ड्रोन को मैं ट्रैकिंग मोड पे लगा के एक आधी बैक फ्लिप मारूँ उस क्लिफ से. एंड लेकिन एक टाइम के बाद हड्डियाँ जुड़ती नहीं है, तो उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए व्लॉग आगे बढ़ाते हैं. और आज कोई स्टूडेंट की बातें नहीं करेगा, कोई स्टूडेंट नहीं, कुछ नहीं. आज सिर्फ और सिर्फ लेजर व्लॉग है. तो मैं फटाफट से तैयार होता हूँ और आओ निकलते हैं ज़रा. So we are now ready to go and बस एक चीज़ रह गई है. This is better. फटाफट से निकलते हैं और वहां पहुंच के देखते हैं क्या हिसाब किताब है. बाकी की बातें रास्ते में करेंगे. आओ चलो. सिटी से बाहर निकल चुके हैं. आधा घंटा लगा हमें सिटी से बाहर निकलने में, लेकिन फटाफट हमने प्रिंस हाईवे के थ्रू ये नीपियन हाईवे पकड़ लिया है, बिकॉज दिस इज द हाईवे विच गोज थ्रू आउट द ओशियन रोड, ताकि हमें राइट साइड पे व्यूज मिलते रहे थ्रू आउट द ड्राइव. फ्रैंकस्टन पियर राइट नाउ. और क्योंकि ये रास्ते में आता है तो हमने कहा कि यहाँ पर रुक लिया जाए, बिकॉज द व्यूज़ आर अमेजिंग ओवर हियर. देयर इज़ अ पियर दैट गोज ऑल द वे टू द एंड. एंड क्योंकि दिस इज़ द लास्ट बिट ऑफ समर्स लेफ्ट और यहाँ पर ठंड पड़ने वाली है. इट्स अ नाइस वेदर आउट हेयर, सो एवरीबडी इज़ आउट हेयर एन्जॉइंग. देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट बीचेस. मेलबर्न के पास वाला जो बीच है दैट इज़ सेंट किल्डा बीच, बट दैट इज़ मोर लाइक कमर्शलाइज बीच नाउ. तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा बाहर आते जाते हो, यू सी मोर सीनिक एंड यू नो नाइस बीचेस अराउंड मेलबर्न. पीपल आर फिशिंग आउट हियर. और लोग आते हैं यहाँ पे कभी कभार अपनी फिशिंग रॉड्स और अपने सामान लेके यहाँ पे फिशिंग करने के लिए. तो यहाँ के फिशिंग रूल्स क्या होते हैं कि देयर इज़ अ
स्पेसिफिक फिशेज जो आप कैच कर सकते हैं, और कुछ फिशेज होती हैं जो आपको वापस पानी में डालनी होती है, उसकी अलग से एक बुकलेट मिलती है वंस यू अप्लाई फॉर अ फिशिंग लाइसेंस. तो अ लॉट ऑफ पीपल यू नो कम डाउन टू द पियर और टू द बीचेस जहाँ पे फिशिंग अलाउड है. तो यहाँ पे लाइक वो लोग उधर फिशिंग कर रहे हैं. एंड इफ आई विल गाइस शो यू. Hi, did you catch any fishes today? You're just starting out. Okay. क्विक अपडेट ऑफ द सिचुएशन. क्या कहते हैं, जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था ऊपर, तो वहाँ पे क्योंकि पियर पे हवा बहुत तेज चल रही थी और विंड सिचुएशन पे, तो मैंने पहले ही आपको एक व्लॉग बना के दिखाई दिया है कि यहाँ का क्या हिसाब किताब है. जब सिटी में यह हाल है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पियर पे आते हो या खुले बीचेस पे आओगे, वहाँ तो और ज्यादा हवा होगी. तो जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था, बेसिकली मैंने साइड में अपना कैमरा ट्राईपॉड पे माउंट कर रखा था, एंड हवा की वजह से इट गॉट नॉक्ड ओवर, और कैमरा, मेरा ट्राईपॉड और उसके साथ में जो एक्सेसरी थी सब नीचे गया. इट गॉट नॉक्ड ऑफ. और ये जो मेरा DJI का माइक है, सो इसमें ये देखो, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, ये देखो. अब पता नहीं, लेकिन अब ये जो है एक्सेसरी, पूरी चीज नॉक ऑफ हो गई थी नीचे विंड की वजह से, जो कि सीधा मेरे फोन में लगती है माइक को वो करने के लिए, इसके लिए. तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये रिसीव करता है और ये सीधा ऑडियो वीडियो के अंदर एम्बेड कर देता है, तो मेरे को बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं करनी पड़ती. चीज आई है, वेयर एंड टेयर तो हो गई थोड़ा बहुत, क्या कर सकते हैं. सो विल हैव टू गो गेट अ न्यू एक्सेसरी. और बाकी तब तक के लिए हम आइसक्रीम से काम चला लेते हैं. इट्स ऑलवेज गुड डोपामाइन्स. खैर, इट इज व्हाट इट इज. अब चलें आगे बढ़े. मॉर्निंगटन पेनिनसुला करते घर आते पेनिनसुला. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज. पहुंच ही गए, रास्ते में बतेरे सारे पिट स्टॉप्स लिए मैंने, बट खाते पीते नज़ारे देखते अपना आ ही गए. इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल सनसेट आउट हेयर, एंड अभी मेरा फिलहाल प्लान है, आई एम गोना एंजॉय द सनसेट फॉर अ वाइल नाउ एंड कैच अ फ्यू ड्रिंक्स. आज का दिन पूरा लेजेंड डे होने वाला है. तो ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल लाइफ, तो एवरीथिंग इज गुड. तो प्लान तो मेरा किसी वनयार्ड जाने का था, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं पहुंचा सारे विनियर्ड्स क्लोज हो चुके थे. यहाँ पे विंटर रेगुलेशंस के हिसाब से 5 बजे सब कुछ शट होना शुरू हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द विनियर्ड्स वर शट डाउन बाय 5:36. वी आर इन रेड हिल्स राइट नाउ. रेड हिल्स इज आल्सो लोकेटेड इन मॉर्निंगटन पेनिनसुला. एक्चुअली ये मॉर्निंगटन पेनिनसुला की वो जो है ना हिल टॉप है, वहां पे रेड हिल है जहाँ पे आर्थर सीट लुकआउट. अक्रॉस दिस प्लेस कॉल्ड पिग एंड विसल, which is like a beer garden and a tavern,
एंड इट हैज़ वेरी नाइस कोजी इंडोर फायर प्लेस एरिया जिसके आसपास राउंड टेबल्स लगी हुई हैं एंड पीपल आर हैविंग एंड हैविंग देयर डिनर. आई एम एंजॉइंग माई गिनेस ऑलमोस्ट डाउन टू माई सेकेंड ग्लास अबाउट टू गेट अ थर्ड वन एंड वेटिंग फॉर माई स्टेक टू अराइव. अभी यहाँ पे ये लोग शायद दे आर प्लानिंग टू गेट अ बॉन फायर गोइंग ऑन. ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है. So this is it for today guys. We are back to the hood. और क्योंकि रात भी हो गई थी और मेरे कैमरा इक्विपमेंट की बैटरी इट डाइड सो देर वॉज नथिंग मच आई कुड डू. प्लस दो घंटे ड्राइव करके वापस भी आना था तो मैंने कहा चल कोई नहीं यार घूम फिर तो लिए खा पी लिया है अब वापस चलते हैं. उसके आसपास बहुत सारी और जगह भी थी जो मेरे को एक्सप्लोर करनी थी विच आई विल गो बैक हेड बैक इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज कंटिन्यू दिस फन डे दिस वीकेंड गेट अवे. इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज डू हिट लाइक सब्सक्राइब एंड अब तुम्हें तो पता ही है यार बार बार एक एक चीज हर वीडियो में थोड़ी रिपीट करनी पड़ेगी. कर दो क्या जा रहा है नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई का प्यार है साथ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AG Vlogs साइनिंग ऑफ.